मैं जिस तरह काम कर रहा हूँ मैं ऐसा टाइम लाऊंगा कि मेरे पैरों में धूल नहीं लगेगा। और एक कहावत है ना, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। 5 4 3 2 1 0 प्लस 5 सेकेंड्स लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पीवन ट्रैकिंग। और यहाँ भैया सेंड करते रहे हैं। सात बज के 3 मिनट और अभी हम जा रहे हैं घर पे। 14 तारीख है, अब देख पा रहे हैं भाई पूरा भीजा हुआ है। और अभी हैं हम रेलवे के साइड पर। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये रेलवे स्टेशन जाएगा। और ये अब जो देख रहे हैं ना, ये मोहतीपुर जाएगा और आपका यूनिवर्सिटी जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि बारिश में जिस तरह हम काम कर रहे हैं ना, और जितना हार्ड वर्क है ना, पहले तो हम आपको बता दूँ माय फेवरेट हार्ड वर्क। और लाइफ में इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ना, और मेहनत जिस तरह कर रहा हूँ सफलता मिल भी रहा, मुझे दिख भी रहा। हाँ, जिस तरह मेहनत करें मुझे मिल रहा। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मैं जिस तरह काम कर रहा हूँ मैं ऐसा टाइम लाऊँगा कि मेरे पैरों में धूल नहीं लगेगा। और एक कहावत है ना, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अभी हम घर जा रहे थे ना, तो बाइक में से ना आवाज़ आ रही थी, तो पता किए तो चैन में ढीला हो गया, तो चैन को टाइट कराते हैं फिर घर जाते हैं। और बाइक थोड़ा सोबर दिखाते हैं जिसमें पूरा पूरा गंदा हो चुका है। फिर बारिश हो रही है, मतलब बारिश का मौसम ही है, सामान चल रहा है 2 महीने का 59 57 है। तो चैन टाइट कराते हैं फिर घर जाते हैं। देख रहे हैं बाइक एकदम गंदी हो चुकी है। चैन टच दीजिए। हाँ, चैन ढीला ही हो गया है। घर ही जा रहे थे, देख रहे हैं कितना गंदा है। तो भैया चैन कसेंगे, उसके बाद से घर निकल जाएंगे, फिर ब्लॉग इन करेंगे, फिर उसके बाद से आज नहीं सुबह मॉर्निंग तक ब्लॉग आ जाएगा। और बाइक इसलिए धुलवा नहीं रहे ना क्योंकि बारिश हो रही है, तो कचड़ा हमेशा रहता है, तो कोई मतलब है नहीं। और ज़्यादा पानी मारेंगे ना तो मोर्चा पकड़ेगा, ख़राब भी हो जाएगा, लोहा गल जाएगा। अभी के ऊपर टेंट में जुपिटर को चलाना और इसी को चलाना है। जल्दी बाइक लेने वाले हैं, थोड़ा सा काम धाम में बिजी है ना, और आप तो जानते हैं कमा के खुद ही करना है, तो पैसे सोच समझ के इन्वेस्ट करते रहते हैं। बाकी फ्लेशर लाइट जल रहा है और यहाँ देख रहे हैं बारिश हो रही है, पूरा बारिश का पानी है, पूरा भीजे पड़े हुए हैं, देखिए पूरा भीजे पड़े हुए हैं। और अभी हैं सूर्यविहार चौकी की रोड है, ये जाएगा रोड आपका गोरखनाथ जाएगा, और ये जाएगा तिवा सिधारीपुर, और आगे सूरजकुंड फ्लाई ओवर पड़ेगा, ब्रिज है तो वहाँ तिवारीपुर जाएगा, और दुर्गवाड़ी रोड भी जाएगा। और इधर नाला बन रहा है और यहाँ भैया सेंड करते रहे। हम घर पे आ चुके हैं, शर्ट पैंट जूता सब कुछ भेजा हुआ है, तो कपड़े को चेंज कराते, नहाते फ्रेश होते हैं फटाफट, और ब्लॉग यहाँ पे इन कर रहे हैं। और चंद्रयान का 3 है, तो आज लॉन्च हुआ है, 14 जुलाई है, तो मतलब यही 24 अगस्त या 23 अगस्त तक पहुँच जाएगा चंद्रमा पर। बाकी आप लोग उस पर देख लीजिएगा गूगल पे कब तक पहुँचेगा, क्योंकि आप लोग को अपडेट मिल जाता है गूगल पे, तो आजकल सब कुछ मिल जाता है। तो मतलब मेरे पास कुछ वीडियो आया था ना, तो हम आपको वो भी ब्लॉग में ऐड कर दे रहे हैं, मतलब आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि अब ब्लॉग पूरा जाइए, क्योंकि 5 से 10 मिनट का ब्लॉग बनाएंगे और ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना रहे, क्योंकि इसमें काम तो हमें बिजी है ना, काम करेंगे पैसा आएगा तो यूट्यूब पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आपको डेली पता, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो हम ही कमाना है, हम ही को लगाना है, जो है आप रियल फैक्ट हम बता देते हैं आप लोग को, तो ब्लॉग हम उसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा है, मतलब शुरू से लास्ट तक उसमें दिखाया गया है कि मतलब लॉन्च होता है, फिर वहाँ से आकाश में ख़त्म दिखाई नहीं देता, आकाश में वहाँ तक है वीडियो, ये 1 मिनट का है, तो आप लोग देखिएगा। बाकी ब्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा जरूर बताइएगा। बाकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब ये होता नहीं है जब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं लेंगे ना, तब तक तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंजिल को पाने के बाद भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने लाइफ में आलसीपना ला दिए तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब कुछ सब कुछ हम ही को करना है कमा के, तो फिर हम ही को करना है, तो इसलिए सब कुछ कभी बैठते नहीं है। और लाइफ में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना अच्छा है। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बस प्यार सपोर्ट देते लाइक करते रहिए और देख के जुड़ जाइएगा। 5 4 3 2 1 0 प्लस 5 सेकेंड्स लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पीवन ट्रैकिंग। वी हैव अ मेजेस्टिक लिफ्ट ऑफ ऑफ एलवीएम 3 M4 रॉकेट कैरिंग इंडियाज प्रेस्टीजियस चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। स्पीड टू ट्रैकिंग प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन एलवीएम 3 M4 रॉकेट का, यह भीमकाय रॉकेट
आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं।